अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ऑफिस से मैं आ गया हूँ और आया मैं टाइम से हूँ। तो मेरी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी वाइफ ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या लिया है। अभी हम छत पे आए हैं, छत पे मैं और मेरे साथ ईसा है, ईसा मेरे साथ खेल रहा है। ये देखो, ये कह रहा है मुझे भी बाबा व्लॉग में ले, और ये कुछ बताना चाह रहा है। ये देखे मेरा बेटा ईसा। तो अभी जो मुझे कोई सरप्राइज़ मेरी वाइफ ने देना है वो हम देखेंगे मुझे क्या मिलने वाला है, और वो रात होगा। तो आज एक मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा, वो अभी थोड़ी देर में, बस वो स्टोरी भी शेयर करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने वीडियो में बस मेरे साथ रहना है। छत पर आए, ये देखे ईसा भी खेल रहा है हमारे साथ, कितना एक्साइट, और ये भाग के आया है कि बाबा क्या देख रहे हैं। ये देखो, ये कैमरे में देख रहा है कि बाबा क्या देख रहे हैं। ईसा साइकिल चलाओ अपनी, इसे ना पैडल से नहीं चलाई जाती, मैं दिखाता हूँ कैसे चलाता है, अगर ये चला लेगा तो। ये ईसा चलो, अभी ये बोतल लेकर आ रहा है, इस बोतल को साइकिल पर रखे फिर चलाता है, शायद कोई मैकेनिक ही करना चाह रहा है। अभी इसका ये मूड नहीं है साइकिल चलाने का, तो जब चलाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ईसा देखो इधर, ईसा बेबी लुक एट दियर। ये बोतल को ना ये पिछली वाली सीट पर रख लेता है, और फिर ये पैडल से पैडलिंग की नहीं जाती, फिर खड़े होके चलाता है, बस स्ट्रेट जाता है और वापस बैक आ जाता है। अभी आए हम अपने स्टोर रूम में, कुछ चीज़ें निकालनी थी, और ये स्टोर रूम हमारा ऊपर है। ये देखें किस तरह चीज़ों से भरा हुआ है, ये ईसा की गाड़ी है, और यहाँ पे कुछ इसी तरह लगेज रखे हुए हैं। और ये ईसा स्टोर रूम में बहुत कुछ रहता है, इसी तरह इसके बहन भाई अरबिश और हम भी स्टोर रूम में खुश रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये अर्पिश का घोड़ा है, और ये ईसा की गाड़ी है, और यहाँ पे ये राहिम का इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये राहिम का प्रेम है। और इसके पीछे इसी तरह बच्चों के टॉयज़ वगैरह, और ये हमारा स्टोर रूम। तो ये हमारे बच्चों की फेवरेट चीज़ें हैं, यहाँ के चीज़ों को जगह है, यहाँ के चीज़ों को तबाह कर देते हैं। ये स्टोर रूम में अरहम की गाड़ी रखी हुई है, वाइफ मेरी स्टोर रूम में मुझे लेके आई थी। ये बेडशीट वगैरह हैं, सर्दियों की कह रही थी, ये अब हमने बिछानी है, तो ये मैंने उठानी है, ये मेरी वाइफ उठाएंगी। और यहाँ पे ईसा स्टिक से मार रहा है अपनी मम्मा को, ये देखें ये स्टिक से मार रहा है अपनी मम्मा को। ये हम नीचे है और लाइट भी आ गई है, तो यहाँ पे अरी वगैरह गेमिंग जोन है, यहाँ खेलते हैं। गेमिंग उनका वो हमने हटा लिया है प्ले बॉक्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो अब रख दिया है, स्टडी करनी है बस बच्चों ने। हम आ गए अपने रूम में, और यहाँ पे अब बेड शीट चेंज होने वाली है, पहली वाली रिमूव कर ली है, ये वाली बेड शीट जो है अब रखेंगे। ये पिलो वगैरह है, और बेडशीट चेंज करने के बाद हम आपको दिखाएंगे न्यू बेड की लुक, टोटली चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। और व्यूअर्स यहाँ पे बेडशीट हो गई है चेंज, अभी आप देखें बेड की लुक फौरन कैसे चेंज हुई है। तो ये बेडशीट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रज़ाई है, ये तो आ गई, ये मैचिंग में है ना, ये मैचिंग में है ना, ये रज़ाई आ गई, ये बेडशीट है, ये पिलोज़ हैं, ये छोटे वाले पिलोज़ हैं, और ये बड़े पिलोज़ हैं। तो जो ये है ना, ये देखना, अभी ईसा जब आएगा ना, ईसा को नहीं पता ये, हाँ हमारे रूम में इतना कुछ हो गया, उसे बहुत पसंद आएंगे, और वो इनमें से एक भी नहीं छोड़ेगा, इनको वो फेंक देगा, ठीक है, ईसा ने ये काम करना है। और अभी हम कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाएंगे, वो लेके आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करनी है हमने। तो यहाँ पर आ गए ग्रॉसरी आइटम्स जो हम ले कर आए, वो ये हैं ईसा की हैं ये। तो यहाँ पे एक तो ये ऑलिव ऑयल आया था, ये मेरे लिए, मैं बालों में ऑलिव ऑयल लगाता हूँ, मेरे बालों में ना खुश्की आ जाती है, सिर्फ ऑलिव ऑयल से नहीं आती। उसके अलावा ये है बेबी माइल्ड, ये क्या है, और यहाँ पे अरहम भी आ गया है, ये बेबी माइल्ड है, ये क्या चीज़ है, बेबी माइल्ड पाउडर है, पाउडर, हाँ बेबी पाउडर है। और यहाँ पर अरहम भी आ गया, अरहम को देखते हैं, अरहम बना हुआ है इर्तुगुल, दिखाओ अरहम आपके पास क्या है, तो और हम इर्तुगुल बना हुआ है। और यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, ये कुछ इनकी चीज़ें आ गई हैं बच्चों की, अरहम वगैरह की और ईसा की, ये इसी तरह ये आ गई है, ये जॉनसन्स, ये बेबी लोशन है ईसा का ही है ये भी। और फिर कुछ इसी तरह ये चीज़ें हैं,
ये चीज़ें आ जाती हैं इस तरह से। अच्छा एक और भी तो हमने लिया था, वो क्या था? सीपर लिया था, ठीक है। और देखने में थोड़ी सी लग रही है, बिल की लिस्ट देखे तो इतनी लंबी। हमारा बिल बना था 1490 रुपये विद दिस शॉपिंग बैग। अब ये भी ख़रीदना पड़ता है। तो बेबी स्लीपर है, हाँ बेबी स्लीपर है। आराम ले लो, आपने क्या लेना आप भी ले लो। और वो बेबी स्लीपर अभी दिखाएंगे ईसा का हम। वो ईसा उसमें बहुत, ईसा उसे लेके चला गया, उसमें जूस पी रहा है अभी। आपने जो आपके जूस आए थे ना साथ में, इनके जूस भी हैं, इन्होंने पी लिए हैं वो। और ईसा ने अपने बेबी स्लीपर में पिया है, तो अभी ईसा का बेबी स्लीपर हम दिखाएंगे। अरबिश के लिए भी तो कुछ ले लो, एक ईसा के लिए चलो चॉकलेट ईसा अपने खुद खा लेगा। एक अरबिश के लिए ले ली ना आपने, और ये लिया था ईसा के लिए बेबी स्लीपर। इसमें मीन जूस वगैरह डाल के बच्चों को दे दे, शौक से पीते हैं। और ये कहा जाता है, बट रियली जब ईसा को इसमें डाल के दिया, ईसा ने बहुत शौक से पिया और वो काफ़ी एक्साइटेड है इसे लेकर। अभी भी इसके अंदर कोई, इसकी मम्मा ने जूस रखा हुआ है। तो मैं अभी आपको ईसा दिखाता हूँ। ईसा यहाँ पर सो रहा है, ये देखें अभी एक आंखें खुली हैं बस इसकी। और वो स्टोरी भी शेयर करनी थी मैंने आपके साथ, स्टोरी बताता हूँ यार। अच्छा ऐसा है कि मेरे पास ना एक क्लाइंट आया, और उसके कुछ, उसके दो केसेस हैं, ठीक है। मेरी उससे फीस डन हुई 50,000 टू केसेस के लिए। अभी उसने मुझे क्या 15,000 पे किया है। अब उन 15,000 में से मैंने एक्सपेंसिस भी किए हैं, सब कुछ किया है। तो वो जो है ना, अभी ऐसा है कि कल उसके केस में ना न्यूज़पेपर का कोर्ट से ऑर्डर हो गया। कोर्ट ने कहा कि आप न्यूज़पेपर दें। मैंने उससे बोला यार न्यूज़पेपर के एक्सपेंसिस वगैरह भेजे आपके केस में, न्यूज़पेपर के ऑर्डर में। तो आगे से कहता वो अपने पास से दे दो। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है। अब आपका केस है, आप अपने केस के पैसे खुद देना, कभी फीस भी मत। मैंने ये उसे कहा नहीं, ऐसे ये मैं दिल में सोच रहा था कि केस तुम्हारा है, अभी तुमने फीस मुझे पूरी देनी है, और ऊपर से खर्चे भी मैं सारे अपने पास से किए जाऊँ। तो बंदा बड़ा तेज, बहुत चलाक, छात्र बन रहा था। 4 4 महीने हो गए तकरीबन मेरे पास से, मैं उसे बहुत चालू हो गया हूँ। तो ना मैंने कहा नहीं आप खुद वो पैसे दें, मैं दे दूंगा। कहने लगा वो जो मैंने 15,000 पहले आपको दिए थे उनका हिसाब दो। मैं कहा यार ऐसा क्लाइंट मुझे फर्स्ट टाइम मिला। मुझे तो क्लाइंट क्लाइंट की भी अखीर हो गई, यानी हिसाब मांगने लग गया। अभी तो फीस पूरी नहीं है। एक केस मैंने उसका ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया, दूसरा केस जो है वो हमने खुद अपनी मर्जी से, यानी क्लाइंट को पता है वो लटकाया हुआ है, और लटकने में क्लाइंट का फायदा है। तो वो ये शो ऑलमोस्ट केसेज वाइंड अप है। मैं समझ गया, मैं मुझे जिस बंदे ने वो क्लाइंट दिया, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा ये इतना शातर बन रहा है, इतना तेज बन रहा है। तो पता लगा वो, उसने मुझसे पहले ही उसके फ्रेंड को जिसने मुझे वो क्लाइंट दिया था उसे कॉल कर दी कि ये मुझसे 2,000 मांग रहा है, और वो 15,000 रुपये का भी हिसाब दे कहाँ किए। मुझे बड़ी तप चढ़ी जो है ना। मैंने कहा इसे मैं किसी तरह कोर्ट बुलाऊंगा, और कोर्ट बुला के इसकी धुलाई करूँगा, और केस जो है उसकी देखी जाएगी, जहाँ मर्जी ले जाए, जिस मर्जी बंदे के पास ले जाए। बाय गॉड मैं लोगों से कुछ नहीं मांगता, जो वो दे जाए रख लेता हूँ, और फीस बड़ी रीजनेबल मांगता हूँ, लोगों के काम प्रियोरिटी बेसिस पे करके देता हूँ। लेकिन वो बंदा इतना शातर बन रहा है जिसकी हद कोई नहीं। तो ये वो स्टोरी थी, और अभी वो मैं सरप्राइज दिखाने लगा हूँ जो आपकी भाभी ने मुझे दिया है। यहाँ पर वो गिफ्ट है जो आपकी भाभी ने मुझे दिया है, ये चेक करें। और इससे पहले मैं दिखाता हूँ, आपकी भाभी खा रही हैं ये गोभी वाले पराठे, और ईसा अभी तक सोया हुआ है। तो ये देखें वो क्लाइंट, अभी वो क्लाइंट ही अभी कॉल कर रहा है मुझे। मैंने इसकी पूरा दिन कॉल नहीं अटेंड की। वाइब्रेट हो रहा है ना मोबाइल, ये उसकी कॉल आ रही है। तो करने दो इसे, कुछ लोगों का इलाज यही होता है। वो गिफ्ट मैंने ओपन कर लिया था, बट अब आपको भी दिखाते हैं। ये चेक करें, ये आ गया है बॉक्स हमारा बाहर, और यहाँ पे आ गई है रिस्ट वॉच। ये आपकी भाभी ने मुझे दी है डिजिटल रिस्ट वॉच गिफ्ट में। मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ ईसा के लिए, ईसा उठ ना जाए। तो अभी जो है ये कुछ अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है ये। देखें जी ये अंदर से, अब हम मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये कर लिया हमने इसका बॉक्स ओपन, यहाँ पे ये आ जाता है इसका खाली बॉक्स। तो साथ में ये एक स्ट्रिप है, और ये इसकी कोई बुक है। यहाँ पे ये आ जाती है डिजिटल वॉच, बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे अच्छी लगी है। ऑन ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑन क्यों नहीं हो रही? ये हो गई है जी ऑन, ये देखें ये हो गई ऑन। बहुत ही मज़े की है, कूल सी। ये देखें जी। तो आपकी भाभी का थैंक यू आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ही बताना है। और इसके अलावा जो है ये इसका चार्जर है, तो मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी है। ये चेक करें व्यूअर्स, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और ये देखें जी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे ईसा बेबी को भी कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देनी है। तो अल्लाह हाफिज़।